वो कभी नाराज होते थे? ना 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 ना, वो कुछ ही नहीं, कुछ ही नहीं, कभी किसी को कुछ नहीं। वो चार के सिवा किसी के साथ ऐसा बात भी नहीं करते। सेवर से नकल थे, दत्ताराम उनका राइट हैंड था, लेस्ली ड्रमर था, और जो लेस्ली गुडिंगो, हाँ हाँ हाँ, वो कुछ तीन चार के साथ, वो लेस्ली और ये जय साहब के साथ स्टूडियो में दारू भी पी लेते थे। दारू किसी को भी अलाउड नहीं था कोई भी स्टूडियो में, मगर इसका ग्लास पड़ा हुआ रहता है। और एक ही म्यूजिक डायरेक्टर जो स्टॉपवॉच के बिना पूरी रील निकाल देता था, हाँ जैकिशन। और ये बोलते डायरेक्टर बोलते थे ना कि पता नहीं ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पूरी रील जा रही है उसकी, हर एक सिचुएशन वो देख। बाकी क्या सब लोग असिस्टेंट जाके मार्किंग करके आते हैं, बुक में लिख के आते हैं कि अभी ये माँ मर गई उसका सीन है, डेढ़ पौना दो मिनट चला, उसके बाद ये कॉलेज में जा रहा है, वहाँ से कट टू कॉलेज का सीन है। ये पता बहुत ऐसे बस वो देखे तो भी क्या पता नहीं कि उसके मुंह से ऐसा लगे नहीं कि वो टेंस होकर देख रहा है कि मुझे काम करना है। ठीक है, चलता है चलता है चलता है, मगर एक एक बार एक एक उसका टेम्पो, उसका लेंथ, उनके दिमाग में क्या कंप्यूटर की तरह आते थे। और जो बोलते हैं हर ऊपर चार पांच म्यूजिक बजाते हैं, तीन वो सर्वेक्षण वहाँ से लिख लेते हैं, और दत्ताराम वहाँ से देख कुछ रिदम फिक्स हो जाती है कि क्या करना चाहिए, वही हिसाब से कि क्या हैप्पी है सैड है कि लाइट रिदम रखनी, वो सब बस हो गया है। हाँ, नौशाद साहब ने ये लिखा है जैकिशन। हाँ ना, नौशाद साहब ने तो बकरा बना था ना उनके लिए, मेरे बच्चे को अल्लाह बचा ले, मैं बकरा छिया उसके बदले। अच्छा, इतना ही इतना पॉपुलर था इतना पंचम भी जैकिशन का राइट ये था वास्तव से क्या, उसने खुद बोला हुआ कि मेरे म्यूजिक पे दो की असर है, शंकर जैकिशन और मेरे बाप की पेशी बर्मन की, उसने बोला हुआ जाता था मैं। और जैकिशन की वजह से तो ये पिक्चर मिली थी सिमन से, इससे नहीं तो बाहर पंचम आने वाला था। हाँ बस ठीक। अरे चाय लाना भूल गया था बोलना। हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है, बोल दीजिए चाय। बेटा चाय बनाओ। चाय से स्पेशल चीज़ हम लोग को मिल रही है, हम लोग भी भूले हुए हैं। आप जो दे रहे हैं वो चाय से बहुत कहीं काफ़ी वो है। अच्छा, उनके साथ जो बजाते थे आप लोग, जैसे आप अकॉर्डियन बजाते हैं, अकॉर्डियन का पीस बजाने में और भी दूसरे कॉम्पोजर्स के साथ आपने बजाया, उनका पीस बजाने में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस तो एक था कि उनका नाम इतना था कि आपको एक अपने आप पर एक गर्व हो जाता ना। और पीसेस किस तरह के उनके, ज्यादा चैलेंजिंग ज्यादा होते थे अकॉर्डियन? ना ना ना, वो सिचुएशन के हिसाब से बनाते थे। और शंकर जी का ऐसा था, आप अपना अकाउंट लेके नहीं जा सकते थे, उनके पास तीन या चार अकाउंट थे। अच्छा, हाँ, उनमें से एक वो जो सिलेक्ट करके लाते थे, तुम खाली आता मेरा अकाउंट बजा लेना, उनको जो टोन चाहिए था ना वही उनका अकाउंट बजाना। वाह, अच्छा। और आप बैठ के बजाओगे, अभी समझो 9 बजे का टाइम है, शुरू हो गया, बैठे अपना पीस आया, पीस की प्रैक्टिस कर ली, शंकर जी आए देखते हैं, पीस सुना दिया, फिर बैठे बैठे रहे ना तो नाराज होने का मतलब अरे यार रिकॉर्ड प्लेयर कभी बैठ के बजाता नहीं। क्या बोलते थे और दूसरे के अरेंजर तभी सर्विस में कल नहीं रहे थे, तो उस टाइम मैंने जब भी बजा था सभी डैडी इनफ टेंडर से, हाँ कल हम उनको भी मिल गया और उनसे बोला आपके बारे में, उन्होंने आपका नमस्ते बोला है कि भरत भाई क्या जा रहे हैं हम लोग मिलने के लिए। बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत प्यार करते, भगवान की दया से बहुत ये बड़े बड़े अरेंजर अकाउंट थे, के सी लॉर्ड हैं, ये हैं मित्रा थोड़े दूर थे, सुमित मित्रा, हाँ सुमित मित्रा, क्योंकि वो एकदम बिजी और ये, और मैंने जब रविंद्र जैन का पहले एक दो गाना बजाया था, मित्रा भाई अरेंज करते कभी धीरज भाई ने मुझे बताया था कि यार भरत तो जब मित्रा मिलेगा थोड़ा तू चुप रहना, क्योंकि मेरा भी बहुत ही शॉर्ट है भरत, तू चुप रहना, तो बड़बड़ करते रहता है, उसकी आदत है ज़्यादा कभी बड़बड़ करके ऐसा वैसा ये वो चलते रहता है वो उसका, तो अपना काम लेके बैठ जाते थे, क्योंकि दिन भाई को मालूम था कि ये साला मारा मारी करते रहता है तो पहले बोल देते थे कि
मैं बोलता हूँ वैसे तू जाता था वहाँ, तो उल्टा ही था तो पता नहीं। आओ भरत बैठो, कैसे हो? ठीक ठाक, पीस दे दिया, देख लो अपने हिसाब से बजा बजने का। अभी एक और अभी बोलने का क्या, ठीक है मित्र हो जाएगा कुछ लगे तो आप बताते हो। हाँ मैं बोलता हूँ तो रहता हूँ और बजा के निकल क्यों गया बाद में धीरे पे आया तो बोला मैंने पूछे नहीं, पूछे नहीं, मुझे पीस दे दिया। हेलो क्या कैसे हो? ठीक ठाक, ये लो बजा। आपने जो बताया था वैसे तो मिला नहीं मित्र थे उसके बाद हेलो आया और ये सब होता था। मैं दूर रहता था क्योंकि क्यों खाम का किसके नजदीक जाके, और उसके पहले खास मिलना भी नहीं होता था मेरा। जब मुझे इनके वहाँ वो एरेंजर हो गए तो वहाँ से सीख हो गए, उसके बाद मिलते तो हेलो आज भरत कैसे हो? ठीक ठाक। अभी आजकल तो कैलकटा में ही है ना जी, उनसे मुलाकात होती है। भानु गुप्ता भी वही है ना? भानु गुप्ता शायद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि इससे मुलाकात हुई कंचन दास गुप्ता से और सुमित मित्रा जी से। तो मेरे समझ में नहीं आता वो रिकॉर्ड प्लेयर है जो वो ना जैकिशन के साथ और उनके फेसबुक पे आते रहते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था कि कोई ऐसा शंकर जैकिशन के बाद थे। अभी मैं तमाम ज्यादा दिन तक नहीं रहे, वो संगम के टाइम में आए, संगम पिक्चर में वहाँ पर जब प्रीमियर हो गई थी उस समय जाके जैकिशन जी से मिले। उसके बाद वहाँ पर कुछ दिन वो जब जैकिशन से मिलकर हॉस्पिटल मैं गई, उनके बारे में उनको सब कुछ बताया तो जैकिशन को क्या करते हो तो मैं भी अकॉर्डियन बजाता हूँ तो ठीक है तुम मुंबई आ जाओ, तो इधर आए तो कुछ पिक्चर में बना के बजा के उसके बाद जैकिशन की जो डेथ हो गई और शंकर जी के साथ एक तो पिक्चर में उन्होंने कुछ काम किया है उसके बाद वो फॉरेन चले गए। उसके बाद कब शंकर जी की डेथ हुई वो सब कुछ, क्योंकि जोकर में धीरज आया है उसके पहले मित्रा ही था हाँ शंकर जैकिशन के बाद सुमित जी थे, तो जोकर में भी तो सुमित जी थे, जोकर में धीरज आ गए थे है ना बोलो बोलो वाला वो सब धीरज भाई ने बजा हुआ था। क्योंकि बाद में हुआ क्या कि शंकर जैकिशन का थोड़ा कुछ काम ऐसा काम होने का आया था तो ये जब मार के एलपी में घुस गया। उन्होंने बताया कि एलपी मुझे मैंने थोड़ा सा भी टाइम देते नहीं थे, इस तरह बुकिंग करते थे कि बुकिंग मेरा खत्म है उसके बाद भी फिर बुकिंग करते थे। उनका वो ज्यादा सुमित जी को ये करते थे। मैंने दो या तीन गाना एलपी का बजा हुआ था, अभी कार्यवाह का मैंने असिस्टेंट में अभी मैंने 10-15 गाना किए ना एज एन अरेंजर उनके साथ काम किया। मैंने पूछा था कार्यवाह वो गाना बोलो भरत जी वेरी सॉरी भरत मुझे बोलता है सब मित्रा ने डब कर लिया है, पता नहीं शबीर का गाना था वो आठ बार की अस्थाई होती है हमेशा आठ या 16 या ऐसा क्यों डबल रहता है सिंगल डिजिट में ये नहीं होता, तो 6 बार की अस्थाई थी और 2 बार मुझे गैप बजाना है। एक थर्ड म्यूजिक 8 बार का था वो मेरा रिकॉर्ड का था, मगर लक्ष्मी जी बोले कि भरत जी ये 6-6 बार की अस्थाई है अभी 2-2 बार आपको बनाए। कार्यवाह बोलते मैं कुछ बोलने वाला नहीं आपको, मैं रूम में बोलता आप अपने हिसाब से पीस बना लीजिए अपने हिसाब से सब, मगर एक एक चीज वापस रिपीट ना हो वो भी देखेगा। अच्छा मुझे क्या अरेंजर में फिर भी अभी गाना भी तो सुनने को मिले तो कुछ मूड पता चले ना क्या बजाना हो, ऐसे ही रिकॉर्ड में कुछ भी कैसे बजा सकते। अब रेड से चार करते करते वाली प्लेयर जो 50-60 थे वो भी मेरे अच्छे फ्रेंड, वो बोलते भरत आज जम जा आज तू आया हुआ ना इनको बहुत मित्रा 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 करते हैं ना हटाओ सारे को वो ऐसे ही चार मारते और उनको खुशी भी हुई थी चल आज एलपी में भरत। मैं आता नहीं था इसलिए क्योंकि मैं टार्जर साइड बिजी था, मेरा वो एरिया था फिल्म सेंटर फेमस मैक्सिमम मॉबल है ये तो वेस्ट ना उधर बापी के साथ में परमानेंट था तो मैं महबूब में आया, बाकी वहीं करण जैन जी आर डी उषा खन्ना अविनाश व्यास चित्रूप जी गौरंग सब रीजनल और जो कुछ हो या बॉम्बे लैब में करण जैन जी का या फिल्म सेंटर में तो मैं वही उस साइड ज़्यादा रहता था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि हम 4 या 5 अकाउंट लेते तो किसी की डेथ के बाद मुझे तो बजाना कोई नहीं मिलता था क्योंकि के सी लॉर्ड बीसी मित्रा बीसी धीरज भाई बीसी अरुण पोरवाल हाँ चार सबसे बड़े अकाउंट प्लेयर तभी थे
कि वो बिजी थे, अभी कहाँ मुझे काम मिलेगा। और अकॉर्डियन भी कम होने लग गया था ना म्यूजिक नहीं, उस वक्त था, उस वक्त था, उस वक्त था, मगर कोई सवाल ही नहीं। और बाकी कभी कभी होमी भी था, वो पंजाब के वहाँ बजा लेता था, हाँ वो भी बजा लेता था। बाकी फिर इनाम डैनियल का भी कहीं मैं मुझे नहीं लगता वो ज्यादा बजाते थे, वो अरेंजर ही बने हुए थे, बाकी पियानो पे बैठते थे शायद, मुझे याद नहीं डैनी साहब ने कितने बजाए गाने। और दूसरे भी दो चार वैसे कहीं कहीं मराठी में और चले जाते थे, क्या करें। और सडनली क्या हुआ कि बापी लाइडी आया म्यूजिक डायरेक्टर के, अनिल और अरुण पोलवाल उनके अरेंजर हो गए, वहाँ पंचम आ गया ऊपर, पंचम अनिल, हाँ अनिल बोल, पहले पंचम आया तो कैसे लौट वहाँ पर छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बैठ गया भाई कि यार नहीं बजाना अपने को, बहुत हो गया अभी इसके ऊपर। अभी हुआ क्या, अनिल बोले बापी लाइडी के वहाँ आया तो चित्रगुप्त जी, अविनाश व्यास, कल्याण जी, आन जी और गौरांग व्यास रीजनल गुजराती ऑडियंस सब थे ना, वो सब अरेंजर जो अनिल भोले करता था, कल्याण जी आन जी को वो ये करता था, क्योंकि कल्याण भाई के पास काम होता, मगर रीजनल काम उसने छोड़ दिया, मराठी गुजराती वो सब धीरज के पास गया। अभी थर्ड अकॉर्डियन प्लेयर क्या एज एन अरेंजर, बाकी अरेंजमेंट करते रहते थे मगर बजाना भी उनका चालू था। अभी तीन अकॉर्डियन प्लेयर गए, अरुण पोटवाल यहाँ आ गया, मित्रा एलपी में आ गया, और ये दोनों पंचम में और दिलीप भाई यहाँ वो वहाँ आ गए। आप चाय नहीं लेंगे? ना मैं अभी नहीं, कुछ साथ में अभी खाना की एकदम एकदम सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। अच्छा भरत भाई एक सवाल है, एक उत्सुकता होती नहीं थी जी, आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी काम किया और शंकर जयकिशन के साथ, उनके स्टाइल में क्या फर्क? स्टाइल में नहीं, ये तो उतना खाना उतना खा लीजिएगा इच्छा हो तो, ऐसा लगे कि उसके बाद खाना बिगड़ना वाला हो तो नहीं खाना हो तो भी मत खाइएगा, टेस्ट करना हो तो। नहीं ये सब तो टेस्ट पर नहीं है, पहले ये तो पात्रा, हाँ पात्रा भाई अभी भी स्टाइल में तो ऐसा ना कि ये सब शंकर जयकिशन स्टाइल पे ही चलते थे, बाद में अपनापन लाए, मगर स्क्रीन में भी लक्ष्मी जी का इंटरव्यू था क्या, उस वक्त आया जब शंकर जयकिशन के सामने कोई नहीं था, कोई टिक ही ना सके, और हमें 10 रुपया में जो 100 रुपये का माल शंकर जयकिशन दे रहे थे वो 10 रुपया में देना था, और वो भी 110 रुपया करके, वो वाला हिसाब था। तो करे तो क्या करे, आखिर में उन्हीं की स्टाइल जा रही थी। अभी कल्याण जी की भी स्टोरी है, सम्राट चंद्रगुप्त था ना सुभाष देसाई का, वो कल्याण जी भाई के पास वो लोग बोलते कि आप पिक्चर करो ये पिक्चर। अब ये लोग तो तभी कल्याण भाई और शो बजाते थे, हेमंत कुमार के वहाँ के बाद बजाना वो सब अरेंजमेंट वो सब करते थे, आंट जी भाई तभी पिक्चर में चेहरे आने पता नहीं, कल्याण जी वीर साथ, हाँ वीर जी, तो ये भी उनकी ही बात है, उनके मुंह से बोली लिखी और कही हुई। और बोलते हैं सुभाष जैसा आते हैं बोलते कि पिक्चर आप करो, आप करो, बोलते हम कुछ ही जानते नहीं, सिर्फ बजाना जानते हैं कि गाना कंपोज करना क्या होता, कुछ हमारे मेरे बदले तो आता नहीं, अब मेरे पास कहा क्यों आते हो, नहीं पिक्चर तुम करो। अभी हेमंत कुमार के आशीषन बने हुए थे नागिन का उसमें, तो भाई ये पिक्चर आके करो, तो बोला ठीक है, हाँ बोला, बाद में बातें हुई तो बातें होती होती वो बोलता है कि काम हमको जाए शंकर जी की स्टाइल पर, जाने एक भी शंकर जी की स्टाइल करना होता नहीं देखे नहीं चलेगा। अच्छा ये प्रोड्यूसर्स भी बोलते थे? हाँ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोलते थे, वो बोलते थे शंकर जी की। अभी आज क्यों सब बोलते हैं ना रहमान स्टाइल चाहिए हमको गाना, बोलते हैं ना, अभी 2 साल से कम बोल रहे हैं, मगर अभी 2 साल पहले वो जय हो भय हो चालू था तभी सब बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर को भी वही बोल रहे यार रहमान स्टाइल चाहिए आपने को। तो यार अभी करंट में बोले कि आप शंकर जी किसी को ही ले लो ना, फिर मेरी क्यों वाट लगा रहे हो काम का, तो बोलते वो परवड़े कहाँ, वाओ तो परवड़े कहाँ, और दूसरा वो शंकर जी वो सारा तीसरा वाला जैसा तो अभी भी
ठंड है कि कुछ ना बोलो, चलो उनके साथ मीटिंग करो, ये करो वो करो, तो चलता है। तो इनको मुश्किल है उसके लिए। मनमोहन देसाई जाए तो चले, सुभाष देसाई कर दिए वो तो ऐसा वैसा जाए तो उनके बात हो। मैं आपको बता, ये बात होता है ना, तो आखिर में बोला गाना सुनाता हूँ, कंपोज करते हैं, बुलाओ किसको, शंकर जी की रिकॉर्ड लाए, तोड़ फोड़ करके सिचुएशन बोली, तो उस हिसाब से गाना लिखा, और वो मार मार के जितने भी गाने बनाओ बोलता कि नहीं ये नहीं नहीं चलेगा, ये शंकर जी का हमने नहीं टिकेगा, करें क्या, बोले इनको भी कैसे पढ़ाना। और ये मैं अपने माया थी ना बहुत बड़ी कल्याण के बारे में, एक टाइम फिर बोले कि सुभाष जी को फोन करके बोलते हैं आप आ जाओ सर जी, बोलता है क्यों आप आइए तो सही आए, तो आपने गाना सुना फेमस में गाना हुआ किसका, शंकर जी किसका, हाँ अरे क्या गाना है, मान नहीं सकते, पता ये सिर्फ शंकर जी कर सकते, वैसे वाला गाना बात धमाल है बात। अच्छा कौन सा करना, कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। वैसे बोलते कि मैं सुन के आया हूँ आपको, चाहे तो मैं सुना देता हूँ, और गाना सुनाया उन्होंने, कमाल का कंपोजिशन सुभाष जी बोलते हैं, गाना ऐसा होता है, होने के बाद बोलते कि माफ करिएगा ये गाना हमारा मेरा शंकर जी का, कुछ ही नहीं है, नाम दिया तो कल परसों रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद मेरा संक्रांत से जरूर कंप्लीट हुआ। सही बात, सही बात। शंकर जयकिशन हॉल के बाद लकड़े की बेंच थी जी, जिसमें मांकड़ रहा करते थे, ये अपने वो क्या बोलते हैं बस। अच्छा, वहाँ सबको बैठना पड़ता था, सब प्रोड्यूसर लाइन, कैन यू इमेजिन, बक्सर लकड़ी की बेंच, मैं जाता तभी भी वही था, वो बैंक थी तभी, एक के बाद एक अंदर आया है, वो बोलते हैं कि कौन है हीरो, शमी कपूर, ठीक है साइन करो, कौन है मनोज कुमार, दूसरों को भी काम दो, कौन है धर्मेंद्र, तभी धर्मेंद्र जी का कुत्ता है राजेंद्र कुमार के साथ वो विलन बन के आया हुआ था उस टाइम, यकीन में हाँ, ना यकीन नहीं, आई विलन की विलन में, हाँ दूसरे को भी और को भी काम दो, नहीं करना वैसे बात, वो वाली बात वो तो हिसाब था, कि मेरे सामने वाली बात हुई थी कि पर्दे के पीछे का टाइटल सॉन्ग जैसा आपने बनाया था, तेरे बिन जिया ना लगे आजा रे आजा, अभी ये चार साउथ इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर तभी तो गारमेंट की सफेद लुंगी पहन के आते थे ना, टाइट स्त्री टाइट, या भसम भसम लगा के वहाँ हॉल में आए, नौ साल साढ़े नौ बजे पूर्व आए, दस के करीब आए, पौने ग्यारह के करीब जैसा आए, नमस्ते नमस्ते उससे ज़्यादा तो बैठे बैठे अपने किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि उसको बोले पूछे, तो बेचारे पूछते 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 आप जैसा ज़्यादा आपसे करना था उसका, हाँ ठीक है, हारमोन निकला सूट दिया उस तबला वाले ने ट्यूनिंग कर लिया और शुरू हो गए, तेरे बिन जिया ना लगे आजा रे आजा रे आजा, असर कंप्लीटली बंद कर दिया, वो लोग बोलते आंतरा तो बोलते फिल्म सेंटर बुक करो आंतरा वहां मिलेगा, और गट्स इतनी हो सकती है किसी फिल्म सेंटर बुक करो आंतरा सेंटर का बुक है तो ठीक है कर, अभी फिल्म सेंटर में भी मैं गया फिर अभी तो अब वहाँ मैं 9 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती गया, सेवन सेंटर रिदम विदम ये सब हो गया, सब तैयार, खाली आंतरा नहीं बाकी का सब म्यूजिक के साथ सब तैयार, वो बैठे बैठे कुछ करवा दिया होगा म्यूजिक का, ये हिसाब है आंतरा मैं दूंगा, दीदी आ गई थी जयकिशन आया कैसा गया, और डिनर मैंने मुझे बोला था कि उनकी आदत थी कि उनके बच्चे की स्कूल की बुक रहती है ना उसका वो पेज फाड़ देते थे, याद आ ना, हाँ वो याद आ ना कहीं भी याद आ ना तो उसका पेज फाड़ पे उसमें वो सरगम लिख के पॉकेट में डालते, अच्छा तो लेफ्ट हैंड से, हाँ हाँ वो पॉकेट में डाल दे, तो मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है अभी, ये आए हारमिन के पास गए, हेलो आए सबके साथ हुआ हारमिन का हाथ,
और पॉकेट से इतनी सी चिट्ठी निकाल रखा वहां तेरे पीने जी बस बोली कुछ बोले नहीं वो बजाया और इन दोनों का ये एक आप सब का अंदर सुनो तो आंतरे हो गए ना दो इंच या तीन सौ रुपए घूमते रहेगा और क्रॉस लाइन कुछ आके अस्थाई में घुस जाएंगे 99% के गाने उनके दो दो उसी में घूमते रहेंगे वो कहाँ से पकड़ के लाते हैं बक 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 लोग क्या दीदी के पास दीदी को दे दिया सिखा दिया अभी सर्वेश्वर अंकल ने उन्होंने रिदम का कर लिया सर्वेश्वर अंकल ने अरेंजमेंट के साथ आंतरण तैयार कर दिया सबको डिवाइड कर दिया सुना अभी ये भी एक ही म्यूजिक टाइप तो पुराने जमाने के जो नया साहब और शंकर जी उन्होंने एक एक तबला एक एक ढोलक नहीं पूरा सेक्शन सुना और नई शान कितनी आदमी के बजाने में उनको पता चलता है चाची संभालो जरा चाची हार्ड हो रही है कुछ भी 60 वायलिन में 40 वायलिन 10 वियोला 6-8 चेलो एक साथ में सुनते हैं सुनाओ बात करेंगे भट्टाली बाबा से यार थोड़ा चेलो कम रखा है जाओ जाके जरा माइक कर लो सुनो नहीं मजा नहीं आ रहा है एक काम करो थोड़े आगे आ जाओ सुनाओ ओके तो शो में भी मैं बात कर रहा जैसा का शो था अभी मनर जैसा का गए थे मुकेश जी का पता नहीं मुकेश जी तो लहरी लाला जाना है ना कभी भी गाना ही जाना पड़ता है अब ये थोड़ा टेंशन दे जाते जय किशन मुकेश कहाँ मुकेश जी कहाँ कहाँ मुकेश जी कभी आने वाले थे उनसे चालू चालू उनका कभी मनर उसको चाली मार रहे जैसा आप गा लीजिए ना आप गा लीजिए ना हम लोग उसको तो बहुत सुनते हैं हम तो सुनाने जैसा है भी नहीं मगर फिर भी हम सुनते हैं आपको देखने के लिए तरस है लोग ना हाँ करते करते अच्छा ठीक है मैं गा लेता हूँ तो तय कॉर्ड पे कौन है बैठा हुआ था मगर मुझे जानते नहीं थे वो अच्छा हाँ तो मुझे बजाना था मनर मुकेशी के साथ बजाना था मगर मनर बोले मुकेशी के साथ ही भरता बजा रहा है मेरे साथ भी बजा रहे मुकेश के गाने सब गाने आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और मैंने मनर को बोला था कि जय किशन कभी गुजराती में बात नहीं करते थे अच्छा तो हिंदी के सिवा बोलते ही नहीं थे मतलब मेरे पल्ले पड़ा ना ये आदमी तो मैं उसको गुजराती बराबर सिखाता मनर बोलते भरत जी इनको छोड़ो यार वो एकदम सीधे साल है अब एक उनकी आदत है कि हिंदी के साथ तो क्यों जैसे में बैठे अकाउंट निकाला अकाउंट मुझे बोल रहे हिंदी में जाने कहाँ गए वो दिन उस दिन स्केल क्या है तो बोला जय किशन भाई जो जय साहब जय किशन भाई ए माइनर में गाना है मगर मुकेश जी काली पार्ट में बी फ्लैट माइनर में आप सुर ऊपर जाते थे अभी आपको जो तुमने जे सुर पसंद पड़े ना मैं गाए जो मैंने कोई पर जो जय किशन भाई बोला तो मेरे सामने हाँ कौन है ये कौन है तो मैंने मुझे पैर भरा कि भर का बहुत हो गया भैया तो ऐसा हो गया थोड़े ऐसा इंट्रोवर्ट ऐसा हो गया स्केल में बी फ्लैट काली पांच आधा सुर ऊपर करके गा के लिखा फिर ए माइनर में गए मुझे बोलते मुझे काली पांच चलेगा मैंने कोई तकलीफ ना दी जैकेट पता मन चाल से बनने स्केल में मैंने तकलीफ ना दी मुझे आपको चलेगा क्योंकि आधा सुर ऊपर नीचे होने से हारमोनियम में तो स्केल चेंज हो रहता है क्या सुर कर लो तो फिंगरिंग में तकलीफ ना दी यहाँ तो तकलीफ हो जाती है पूरी आधा सुर ऊपर नीचे हो गए तो पूरे की बदल जाती है मैंने कहीं तकलीफ ना दी उन्होंने जवाब दिया महाराज नहीं हिंदी में आपको तकलीफ नहीं होगी ना ना
तमें कोई पण स्केल मा गाओ मने कोई तकलीफ ना थी भाई मैं बोल रहा था गुजराती में। अच्छा फिर वो थे मगर पूरा गाने की जैसे कि म्यूजिक बजाया और हमारे में भी क्या कपलर रहता है फ्लूट कपलर रहता है और फिर मास्टर कपलर रहता है ना जी वो तो फ्लूट के कपलर में वायलिन का टोन जो रा रा री री रा रा री रा रा री रा फिर फुल वायलिन आती है वो कट करके हमारे नीचे वो रहता ना वो तो मास्टर कपलर में रा रा री री हाई ऑक्टेव में वायलिन का वजह तो देखते हैं कि नहीं सब समस्या है ठीक है मगर मुझे बोलते भरत एक काम करिएगा गाने के वक्त थोड़ा सुधरेगा थोड़ा हारमोनियम और रिकॉर्ड के पीचिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क करता है। तमें फिकर नहीं करता मैं गाता सो करूं क्रॉस मा चाली जैसे नो एक कंपनी नहीं करूं तब नहीं ठीक सिर्फ मुंडिया लाजी मनर मनर तुम नहीं सुधरोगे और आए बार आए रेड सरो का मतलब ठीक है मैं गा लेता हूँ अभी टाइम होने का है तब तक मैं तो यहाँ है हमारे महाराज मुकेश जी हेलो जय ये वो करते थे हाँ रे कहते अब तो मैं नहीं कहूँगा मुकेश जब आए नहीं ना तो जैसा आपने जाने काम किए रिहर्सल कर ली हम लोग के साथ भरत जी के साथ रिहर्सल कर ली अब आप आ रहे बोलते कि नहीं मैंने कहा अभी मुकेश जी को गाने दो बोलते मुकेश जय गा लो लोगों को देखना है हम तो हमेशा आते हैं कभी तुम तो अच्छा नहीं मैं जीना यहाँ मरना यहाँ गा लेता हूँ ठीक है तुम जाने का तुम पर नहीं मुकेश जी गाना आपका पर ये फील आप तो मतलब फील जाए तुम्हारे गाने में आप जो गाओगे और वो जो हरकत बहुत सारी जो नहीं लेते हम बात में वो यहाँ नहीं लेके हमको सुनने को आखिर वो चढ़ गए स्टेज के ऊपर अभी एक अपने हमारा क्या मुसेट कपलर बोलते हैं शार्क कपलर बोलते हैं जिसमें जो नर और मादा की चार लाइन होती है ना उसमें से नर कम हो जाते हैं अच्छा तो वो शार्पनेस में हारमोनियम के साथ मैच हो जाता है क्योंकि उसकी जवानी रहती है ना तो थोड़ा शार्पनेस में वो ट्यूनिंग में फर्क होता तो चलता अभी वो भी बजाने की एक टेक्निक होती है कि शार्क कपलर कर तो आपको हाई ऑक्टेव में नहीं बजाना है नहीं तो एकदम थीन हो जाता फिर मिडिल या लो ऑक्टेव में आपको आ जाना है तो भरा हुआ फील मिलता है आपको तो वैसे मैंने उनको कॉर्ड देके एकुमने किया मेरा म्यूजिक बजा लिया गाना कंप्लीट हुआ पीछे से जाते जाते चले और बहुत बड़ा आपके लिए हाँ बस और कुछ ही बोले नहीं एंड तक कुछ नहीं बोले बहुत अच्छा बजा वाह किसके पास ये क्या वो कुछ ही नहीं बस जाते जाते पीछे उतने से काफी बस मंदिर बोलता भरत भाई आपकी दिन का सबसे बड़ा डेफिनेटली सही बात है सबसे बड़ा दिन ये आदमी किसको कुछ नहीं बोलता आपको मार के गया रहा होने के बाद और मुकेश जी हंसे और मुकेश जी के साथ वहाँ कोई बात किया मुकेश बोलते हाँ मेरा बेटा है तो ना जाओ भाई अब मेरे साथ देखना क्या करता है तो बातों से कुछ पता चल कि मेरी बात कुछ हो रही इंसान ही ग्रेट था उनकी वजह से मैंने किशोर कुमार को रफी साहब को छोड़ा था अभी शोज की डेट आए ना किशोर कुमार के वहाँ कभी या रफी साहब के वहाँ तकलीफ हो जाती थी एक और प्लेन नहीं मिलता था तो मुझे बुला लेते थे और अनलकीली ऐसा हुआ किशोर कुमार को तो मैंने कहीं एकम नहीं किया रफी साहब को मैंने दो तीन शो शिमला और सिलीगुड़ी में मैंने किया था इनका शोज आया मेरे पास डेट आया और लास्ट मोमेंट पे ये खड़ा हो जाए अच्छा जान लीजिए ना अपने को यार क्यों क्या हुआ मैं कुछ नहीं रफी साहब की डेट ली थी मैं बुक मना कर देता हूँ उनको रफ्सों को गए मतलब जी आपके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं कुछ भी करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मुझे नहीं बुलाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिस्पेक्ट तो है मेरा हाँ सही होगा कल दिन में तो आ जाएंगे किशोर दा ने बोला कि फर्क मुझे नहीं चाहिए ये सब क्या जब लगा तभी बोल देता मुकेश आ गया मैं नहीं आता हूँ अभी लास्ट मिनट में चीज़ें ढूंढने के जाऊँ आइंदा बदल भरत शोज के लिए मेरे लिए बोलना ही पड़ता मगर रफी साहब ने वो जानते कि तीन चार हार्ट अटैक आ गए और अकॉर्ड के बिना उनका चलता नहीं धीरे पर यहाँ परमानेंट थे वो रफी साहब के लिए इनको छोड़ के भाग गए थे रफी साहब का काम बहुत चलता था
अच्छा धीरज भाई मुकेश जी को छोड़ के मुझे यहाँ टिका के बाहर गए थे। तो रफी साहब को मालूम था, रफी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, रफी साहब को मालूम था कि अकाउंट के बिना मुकेश को तकलीफ हो जाएगी और तबीयत भी अच्छी नहीं। अच्छा था ठीक है, मतलब किसी और को बुला लो, भरत नहीं मिले तो चले वादा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दो तीन टाइम बुला लिया था और डेट एडजस्ट हो गई तो मैं जाके भी आया था। मैंने बोला भी था रफी साहब आप जानते हैं, तो नहीं बेटा बहुत अच्छा करते हो, संभाल के रखो अपना हीरा है, कुछ हो सकता है राजीव से बड़ा कौन था, संजय ना, संजय गांधी छोटे थे मगर वो संजय का शो था। अच्छा संजय ने इनको बोला किशोर कुमार को मैं पैसा नहीं दिया फ्री शो, ये बोलता मैं फ्री गाता ही नहीं कि आप हमारा इनकम टैक्स काटते हो ना, मैं बोल मेरा सब इनकम टैक्स काटना बंद कर दो मैं गाता हूँ आप लिखते थे तो कर, बोले वो कैसे हो तो बोला तो ये कैसे हो ये मेरा धंधा है। ये तो टेढ़ा ही था ना एकदम, उसको अगर लग गई तो किसी के बाप का नहीं होता था ये किशोर कुमार को, तो कुछ भी करते थे ना वो नहीं करते, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो करना हो कर लो। उसके बाद 6 महीना 8 महीना ऑर्डिनरी रेडियो बीट बार ये सब बंद करवा दिया था उन्होंने कि एक भी गाना नहीं बजेगा। मैं मारो कितना दिन नहीं करोगे बंद बंद करोगे तो नहीं गए। अभी वो फिर दीदी के पास गया और मुकेश जी आया, उसका शोज की आप वीडियो देखेंगे ना वो भी ये फिल्म के पास ही है, दीदी वाले दिखाते हैं उसमें ओपन है। पहला गाना था उसमें क्या था वहाँ चारों और थोड़ा थोड़ा चलता है, लता मंगेशकर यहाँ खड़ी है, मुकेश जी यहाँ खड़े हैं, यहाँ बड़ा टेबल लेके अरुण पोडवाल हारमोनियम के ऊपर है, उसके कुछ एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने मना किया था कि आप रिकॉर्ड नहीं बजाओगे, आप वजन नहीं उठाना, मगर ये लोग छोड़ते नहीं थे कि बोला कहीं छोड़े गुस्सा आया और फिक्स ना हो जाए, तो वैसे भी बाद में भी आते थे पर हारमोनियम लेके। उसके बाद माइक देके ठाकुर सिंह को रखा सैक्सोफोन के ऊपर, उसके बाद मैं अभी मुकेश जी और मैं यहाँ और उनके बाद में मैंने तो गा नहीं पाते, एक डुएट हुआ लाल लाल हो गए पानी पानी हो गए पसीना पसीना, और फिर दूसरे डुएट की बात आई ना तो माइक में भरत तुम यहाँ जाओ और पूरे ऑडियंस में ये आ गया रिकॉर्डिंग प्लीज रिकॉर्डिंग, और मुकेश के अरे माइक तो खुला है तो हाथ रख के बोला दीदी को, बोला दीदी आपको मालूम है ना भरत के बिना मुझे तकलीफ होती है, तो दीदी ऐसे हंसते हंसते बोल दी, मैंने कहा मना किया आपको ले लीजिए ना मैं घूम के यहाँ। तो ये फिल्म डिवीजन वालों के पास दीदी वाले ये दिखाते भी हैं महेंद्र कपूर के, और ये वो मुझे नहीं देखने को मिला अभी भी वो। अच्छा और गीतों वाली शाम में मगर वो कुछ छोटे छोटे गाने एडिट करके दिया हुआ है कोई प्रोग्राम और ये देते हैं ना फिर उसके ऊपर, मगर ये डीडी वाले लाइव देते हैं। मगर सूरत से भी फोन आ जाता है मेरे कजिन ब्रदर के कि काका आप टीवी पे, तब तक तो गाना खत्म हो जाता है या ऑन करो ये कर, तब तक तो गाना निकल जाता है, वो बेचारा वहाँ से फोन करता है, दो तीन फोन आते हैं कि भाई तू टीवी पे देख तो, और शंकर जी के साथ तो आपने तो बहुत से स्टेज शो में बजाए। हाँ शंकर जी के साथ मैंने बहुत स्टेज शो, उन्होंने कांग्रेस के लिए वो ग्रुप भी बनाया था ना फायर ग्रुप का, क्या क्या गाने पैट्रियोटिक सॉन्ग जो बनाए थे उसको सब गाने आपके भगवान जाने कहा है, वो दो गाने तो रिकॉर्ड किए हुए फिल्म सेंटर में, कौन कौन से वो दो गाने ना वो भी याद नहीं मुझे, नहीं नहीं गाने हैं कुछ है कांग्रेस के लिए बनाया था, वो कांग्रेस का कांग्रेस गाना उस देवोप्रिय चतुर्थी एक और जैसा मेरे ख्याल से नौशाद साहब का बना हुआ था चलो सिपाही चलो, अपनी सरद महेंद्र कपूर का वैसे बहुत सारे गाने थे पैट्रियोटिक उस टाइम बनाए और लिटरली रिकॉर्डेड फिल्म सेंटर में या महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड गाने थे ये सब ये देते थे, वो इतने बढ़िया गाने थे सब, बहुत ही अच्छा गाने थे कहीं नहीं मिलेगा था से
और मैं आपको बोल रहा था कि इतना कम अकल में कि यार जयकिशन के घर पे जाके सिद्धार्थ तो बोलो तेरे स्कूल में लेके जा मुझे कॉपी निकलवा दे फोटो की। हाँ हाँ नहीं दिमाग में ही नहीं आया, आइन तक नहीं आया, जैसा गए तब तक नहीं आया यार फोटोकॉपी के लिए तुमने पैसा तो दिए फोटोग्राफर ने दिए मगर यहाँ स्कूल से एल्बम से मिल जाएगा तुमको चाहिए या फोटोग्राफर का नाम भी दे दे कि देख ले और तू अपना पसंद कर ले। अब उस टाइम तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड ज्यादा लोग करते नहीं थे। नहीं नहीं ना तभी शूटिंग हम लोग आम आदमी के पास आ गया ये सब शोज में सब खड़े हैं ना वो ये तो ये बात ना फिल्म फेयर अवार्ड्स का एक कोई गुजराती थे वो हमेशा उस सब को शूटिंग करवाते थे उनका नाम मैं मेरे को एक और गुजरात के थे क्या वो पुराने सब रिकॉर्ड्स पर ड्यूटी करते हैं वहाँ पे हंसमुख भाई तो अब वो बेचारे पिछले साल आए थे तो वो जो थे वो बता रहे थे कोई खाना खा पाएंगे हम लोग इतने दीदी वो ये मैं इसको थोड़ा सा उधर कर दीजिए वो कैमरा एक मिनट हमारा कौन ने पति लिया कैमरा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये जो चीज़ थी वो बता रहे थे कि आप उनको खोजो मैं बोला पहले आप मेरे को नाम तो बताओ मैं किसको खोजो। ठीक है तो ये बात है वो हम लोग खोज रहे हैं लेकिन एक फेसबुक पर ही देखा है सुभाष सूत्रा उनके पास वो क्लिपिंग है जिसमें जयकिशन जी ने गाना गाया है तेरी प्यारी प्यारी सुनो वो बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी तक बहुत ज़्यादा फोटो उन्होंने ही दिए तो अब वो तो वहाँ से मिल जाएगा और दो चार चीज़ें जैसे अभी ये शंकर जी जो ज़्यादातर पिक्चरें कर रहे हैं नसीब की बात नैन मिले चैन कहा ये सब के अब आया तो हूँ देखूँ किसी से पता लगाऊँ कहा एक गंगा और गीता फिल्म आई थी आई नहीं लग रिलीज नहीं हुई वो बंद हो गया वो बंद गई वो वतन थी। हाँ और अपना वो दुबई का बड़ा प्रोड्यूसर था वो हाँ यशुदास जी का तो गजल का था गजल टाइप का गाना था और तभी जो शंकर जी ने जो अपनी कला दिखाई थी वो देखने लायक थी। यीशु ये ऐसा भी गाया जा सकता है राग अलग ताल अलग ये आदमी कैसे करता था कुछ पता नहीं चलता था। यीशु ये ऐसा भी अभी 8 या 10 अस्थाई उसने एक एक वही वर्डिंग्स के सुना है और यीशुदास बोले शंकर जी आप बोलिए मुझे क्या गाना है आप प्लीज वही मुझे क्योंकि मतलब मुझे तो कुछ पता नहीं चलता कि इसमें से मुझे क्या करना क्या से लिखकर सब हीरे के टुकड़े हैं सब। अभी ये इनका एक था कि वो शो भी करते थे कि आप शंकर जैसे जैसा भी ये नहीं करते इसलिए वो ये चल पड़े इसके पीछे। वो तो शंकर भी करते थे किशोर कुमार के सामने यशुदास जी को बापी लाहिरी ने खड़ा किया था तभी बापी लाहिरी के बहुत गाने गा रहे थे रविंद्र जैन के भी गा रहे थे वो और ये दोनों उनके दुश्मन शंकर जी के यशुदास और किशोर कुमार नहीं यही लेवल का बाद में जो आया ना जो आपके हर एक चीज म्यूजिक का जानता था नोटेशन क्या टाइमिंग क्या सूर क्या वर्डिंग्स क्या खुद लिखते थे खुद कंपोज करते थे
एक इनका जो माहौल बना हुआ था माहौल नहीं था, माहौल वही बहुत ही खराब था। बहुत सबसे पहली बात है जब आपको अपने टैलेंट पर भरोसा है आप दूसरे से क्यों जलते हो ना, आजू बाजू वाले वो जो चम्मच लो ना ऐसे, और सब उसमें से बहुत सारे बेवड़े और ड्रगिस्ट हो गए थे। अभी आज के जैसे में आज मैं प्रेसिडेंट के वहाँ जाऊँ तो मुझे वैसा बन के जाना पड़ता है। हाँ सही बात, मेरे साथ चार सब्जी लेके मैं लता मंगेशकर घर पे नहीं जा सकता। सही बात, सही बात, मेरे घर में लता मंगेशकर आया और यहाँ आप चार बैठे हो तो अलग बात हो जाएगी, मगर मैं वहाँ लेके नहीं जा सकता। हाँ सही बात, उनको बताया बिना। हाँ जी, मुझे आने जाने दे, उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी दुनिया को हमेशा जब जाऊँ तो घुसा दे जाऊँ लेके जाऊँ। सही बात, एकदम आप मेरे एकदम सही बात, क्योंकि वो चीज ही अलग है हमेशा। आज के जैसे मिलने के बाद भी आदमी उपजा है कि नहीं यार, मजा नहीं आया। ठीक टैलेंट है, टैलेंट आर के खुद भी बोलते थे ना कि कंपोज कर, ठीक है, लेकिन राकेश सर जी ने तो बाहर बहुत नवी जैन की बड़ाई कर दी थी। अगर मुझे सबसे अच्छा कंपोजर मिला तो यही मिला, रविंद्र जैन। रविंद्र माने शंकर जी किशन तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये शंकर जी को जो फटका पड़ा तो ये इनकी गद्दारी की वजह से पड़ा। और गाना भी कौन सा दिया अब आवारा का बैकग्राउंड देखो जी, राज साहब और नरगिस वो बनाया हुए स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे जी, उसके पीछे ही बज रहा है ये ना मांगो सोना चांदी बैकग्राउंड में जी। आपने अपना आदमी का गाना जो आपको रिकॉर्ड नोटिशन तैयार कर करके कबाट भर के दिए हुए उसमें से मार के एलपी के नाम पे दोगे, थू है तुम्हारे पे। जी जी जी, बहुत सही बताते हैं, थू है तुम्हारे पे यार। सही ये गाना आप एलपी के नाम पे चढ़ा दोगे लोगों को पता है कि कहाँ है ये गाना। सही बात है, वो तो बहुत से राज साहब की माँ मरती तभी ओबसंती पवन पागल पीछे बजाए। हाँ हाँ हाँ, वो जय साहब का बैकग्राउंड जय साहब करते थे, वो फिर बाद में शैलेंद्र ने लिखा और शंकर जी ने किया या जैसा भी क्या पता नहीं। आ, वो तो मालूम है, नाम तो उन्हीं दोनों का था। दोनों का। अभी वो श्री 420 में मुठमुठ के रात एक चल रहा है, उसके पीछे 1959 अनाड़ी का बैकग्राउंड में चल रहा है, फिर मुठमुठ के रात दिखा रहा है। और जैसा आपने किया था बोला था कि तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग कॉपी करते कॉपी करते कॉपी करते, पहले ईयर तो देखो हमारा पहले रिलीज हुआ था कि वो फॉरेन वालों का, चाहे कोई मुझे जंगली उन्होंने बोला था ये गाना वहां मारा हुआ है, तभी आपने बोलोगे अच्छा चाहे कोई मुझे जंगली कहेगा फॉरेन में किसी ने मारा है क्या, वहां तो चलता ही था ना, वहां चलता है। मेरा कंपोजिशन अच्छा हो तो आप अपनी अरेंजमेंट डाल के उसको बना सकते हो, जो रॉयल्टी का मामला जो कुछ सेटल होके, मगर आप कर सकते। मतलब है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, शंकर जयकिशन का बनाया हुआ चाहे तो मुझे जंगली का टाइटल सॉन्ग को फॉरेन में लिया। अच्छा हेनेकिन बियर जो आपका अमेरिका में बहुत फेमस है उसमें जान पहचानो जीना आसान हो का प्रोमो वो करते थे, उन्होंने कहा उन्होंने कभी नहीं बोला। अगर उस वर्ल्ड एक पिक्चर उसमें भी लिया गया बहुत, और इवन धीरे चल भी मारा हुआ है, धीरे चल डाउन डाडा डाउन डाडा डी डाडा डाउन सब और ऐसी भी बात नहीं है, वो वैसे गाने बना भी सकते थे जो उन्होंने बनाया था, वो किशोर कुमार को दिया था ना वो जैसा आपका वो शूटिंग वाला गाना है फेमस में, वो महमूद हीरो बनता है वो नाच मेरी जान फड़ा फड़ी जान, और ये गाना हसन जयपुरी का फॉरेन की हॉटी की टेबल के ऊपर जैसा ने बनाया था बदन पे सितारे। हाँ बदन पे सितारे जी, वही का वही जैसा ने मुखड़ा लिखा था। हसन जी ने मुखड़ा लिखा था, वो कैबरे डांसर आके ट्रांसपेरेंट वो था उसमें स्टार बार थे स्किन कलर का, वो आके हसन के
लैब पे बैठ गए और चले गए डांस करते करते। अच्छा। उन्होंने वहाँ वो पेपर नैपकिन के ऊपर लिखा बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने का मना किधर जा, जरा पास आओ तो चाय ना लें। और जैसा को जैसा जैसा देखा वो मुड़ी पिया हुआ था मुड़ी, वो दूसरा पेपर निकाला सगम ने, पसानी 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 परे पसानी 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 पमग सप मग म प सग सानी सा, तो लिख के दीजिए वापस रख तेरे पास। ये वैसे स्टाइल है ना, ये कहाँ चोरी हुआ तो नहीं कर सकते वैसे वाली बात नहीं थी। सही बात है, सही। कभी प्रोड्यूसर बोलते हैं या कभी ऐसा था लगा और थूक किया जाने तो ना नहीं करना, फिर अपना वो रूप गिराने वाला कौन सा था श्रीदेवी का मिस इंडिया का ये हवा हवाई ये नहीं नहीं का आटे नहीं घटाता। और ये गाना धीरे चल धीरे चल गाना उसकी यार लक्ष्मी ने क्या हमारा धीरे चल अभिगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवा के कहीं लागे ना उसी को कैसी बद नजर के मीठे सपनों में सोई है वो बेखबर। ये शंकर जैक्सन ने बॉयफ्रेंड में दिया और या काटे नहीं कटती दिन ये रात ये या हमारा। और आरजू का जो म्यूजिक है ना वो एलपी ने पत्थर के सनम में दिया हुआ, उसका थर्ड म्यूजिक आप सुनेंगे ना। ये आरजू का सैक्सोफोन का पीस है। दो बार का चार बार का गैप बीतता है ये फर्स्ट म्यूजिक सेकंड म्यूजिक थर्ड म्यूजिक हो जाता है। अच्छा, और एंड में कोड़ा बोलते हैं जो लास्ट में कुछ एग्जिट लेते हैं तभी कुछ चालू रखना पड़ता तो उसके लिए फिर कोड़ा बोलते हैं। अच्छा, जिसको पोस्ट म्यूजिक बोलते हैं वो अब उसको फर्स्ट म्यूजिक सेकंड म्यूजिक और थर्ड म्यूजिक बोलते हैं। इंट्रोडक्शन आता है पहले इंट्रोडक्शन अस्थाई आ गई उसके बाद फर्स्ट म्यूजिक आएगा फर्स्ट आंतर आएगा। अभी बहुत लोग नए साथ है कि तीनों आंतर सरी के रखते थे और तीनों म्यूजिक भी सरी के रखते वो चेंज ही नहीं कर बोलता नहीं इसको इस्टैब्लिश करो मेरे स्टाइल को लिए और वो चलते थे। इन लोग का ऐसा होता था कि कभी आंतर चेंज होता है तो म्यूजिक भी चेंज हो जाता है सेकंड म्यूजिक चेंज है फर्स्ट म्यूजिक वापस फर्स्ट एंड थर्ड सेम रहता है फर्स्ट एंड थर्ड सेम सेकंड चेंज होता है। और शंकर जी वो धुन भी चेंज करते थे सेकंड अंदर ज्यादातर शंकर जय किशन दोनों सेकंड अंदर का चेंज अभी रवि साहब थे तो 14-14, 16-16 म्यूजिक बना के आते थे इंट्रोडक्शन के अलग फर्स्ट म्यूजिक के अलग सेकंड और उसको वो ऐसे कुछ दिमागी आदमी तो उसके जैसा भी टैलेंटेड कम था। सही बात है वो उनको भी वो इंट्रोडक्शन का पहले चार बार है ना उसके बाद सेकंड म्यूजिक का बीच वाले चार बार जोड़ो और आठवां म्यूजिक का चार बार जोड़ो और सुनाओ मुझे और उसको तीनों याद है। अब यहाँ सब शतरंज के खिलाड़ी तो अपने वो गेम वाले आते ना शुरू हो जाता है। अभी वो चार बार आया तो कुछ मैंडलिन का होगा पिछला चार बार मेरा अकाउंट का होगा और वायलिन का होगा वो 12-16 वैसे सुना दो। हाँ सुनते ठीक अच्छा लगता है ये जब दो यानी पहला म्यूजिक क्या ये लास्ट वाला का जो बोला होगा उनको जो पसंद आया ठीक होगा अब बस यही करेंगे टाइम पास। अभी पागल हो जाता हम लोग बैठे मैं या तुम करोगे यार
अच्छा तो जयकिशन जी जो वो गाना गाए थे तो मैं कैसा गाया था उन्होंने? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये अभी ये सब थी नहीं बाकी। हाँ, बहुत मुश्किल जो हरकत और मुर्कियाँ जो बोली ना, बहुत मुश्किल। वो मतलब मुकेश साहब से ज़्यादा हरकत और मुर्कियाँ थी? हाँ, अच्छा। तो क्लासिकल सीखे हुए थे ना जयकिशन जी? बहुत अच्छी तरह माँ के पेट से जानते आए। जैसे बोलते ना कि 4 साल से 3 साल से जो आके शुरू हो जाता है दुनिया में, वो वाले ये थे।